नास्कर में नियाज खान। पाकिस्तान में बाढ़ ने कहर ढा रखा है और पाक मीडिया की माने तो अब तक 1162 लोग इस जल तूफान में मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस बाढ़ में 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ऐसे में दुनिया से पाकिस्तान मदद मांग रहा है और भारत से भी मदद की उम्मीद की थी। इसको लेकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हम भारत से इसके आयात पर विचार करेंगे। इस बीच अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ी बात कही है और कहा है कि भारत से खाद्यान्न और सब्जी के आयात की कोई योजना नहीं है। यही नहीं, आतंकी हाफिज सईद को पालने वाले शहबाज शरीफ ने जहरीला बयान देते हुए इस महासंकट में भी भारत से आयात के पूरे मामले को जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री इस्माइल ने अपने ताजा ट्वीट में कहा है कि एक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सरकार से अनुमति मांगी है कि उन्हें जमीनी सीमा के जरिए भारत से फूड आइटम मंगाने की अनुमति दी जाए। पाकिस्तान सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों और प्रमुख घटकों से विचार करने के बाद आपूर्ति की कमी है या नहीं इसको देखते हुए फूड आइटम के भारत से आयात को मंजूरी देने पर फैसला लेगी। इससे पहले शहबाज शरीफ ने इस्माइल के भारत से आयात के बयान को खारिज कर दिया था। जानकारी देते चलें कि पाकिस्तान की बाढ़ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया था और खबरों के मुताबिक भारत अभी सहायता देने पर विचार कर रहा है। इससे दोनों ही देशों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना बढ़ गई थी। भारत के साथ आयात के मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया ने जब शहबाज शरीफ को मंगलवार को घेर लिया तो उन्होंने जहरीले बयान दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ व्यापार में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वहां कथित नरसंहार चल रहा है और कश्मीरी जनता को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ शहबाज ने आगे कहा कि हमें अपने देश में गरीबी को खत्म करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन विभिन्न मुद्दों को सुलझाए बिना हम शांति में नहीं रह सकते हैं। हमें इस मौके पर राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन यह तथ्य है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। हम इलाके में शांति चाहते हैं, हम अपनी इच्छा से पड़ोसी नहीं हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से 3 करोड़ लोग विस्थापित, 1/3 देश प्रभावित। पाकिस्तान इस समय भयानक बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1162 हो गई है। मरने वाले पीड़ितों में 384 बच्चे और 231 महिलाएं शामिल हैं। आने वाले दिनों में मरने वालों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है। कम से कम 72 जिलों को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में हजारों की संख्या में लोग बिना भोजन, साफ पानी, आश्रय और बुनियादी दवाओं के बिना जीने को मजबूर हैं। बाढ़ से 20 लाख एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई, लेकिन शहबाज शरीफ की अकड़ देखिए। गरीब जनता को मार देंगे, लेकिन भारत से मदद नहीं लेंगे, इसी को राजनीति कहते हैं। और जो राजनीति शहबाज शरीफ कर रहे हैं ये बेहद गंदा और घटिया है। वैसे शहबाज शरीफ और पाक की मदद को लेकर भारत सरकार ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। देखना होगा कि भारत क्या कहता है और किस तरह का बयान देता है।